अपना देश अपनी बात सीरीज के तहत हम फिर हाजिर हैं राजस्थान जीके पार्ट टू लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम जय भगवान। अब राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राजा पक्षी, राजस्थान का राजा पक्षी जो 1981 में किसको चुना वो है गोडाउन। गोडाउन को सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो संख्या है वर्तमान में बहुत कम रह गई और ये एक शर्मिला पक्षी है। और राज्य पशु राजस्थान के अगर देखें तो चिंगारा था पहले 1981 से 2014 तक चिंगारा था, किसको छोटा हिरन भी कहा जाता है। और 2014 के बाद ऊंट जो है राजस्थान का राज्य पशु बना है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अब आगे है राज्य फूल, राजस्थान का राज्य फूल है रोहिड़ा के फूल है। 1983 से ये राजस्थान के जो राज्य फूल है। और राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर है। आपको ये बता दें 25 जनवरी 2018 को फिल्म आई थी पद्मावत और ये फिल्म पहले नाम था इसका पद्मावती और पद्मावती जो राजस्थान से थी, महारानी थी, साहसी नारी थी और उसके ऊपर फिल्म थी। उसके बाद इस फिल्म पर काफी विवाद हुआ और इस फिल्म का नाम पद्मावत कर दिया। उस पद्मावत फिल्म में गाना है घूमर रे घूमर बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो राज्य नृत्य राजस्थान का घूमर है और राज्य शास्त्रीय नृत्य जो है राजस्थान का वो कथक है। राज्य खेल बास्केटबॉल बॉल है जो 1948 से है। और राज्य गीत राजस्थान का अगर देखें वो है केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। और ये जो राज्य गीत सबसे पहले जो गाया गया था वो उदयपुर की मांगी बाई ने सबसे पहले इस राज्य गीत को गाया था। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में बड़ी काम आएगी। राजस्थान के बारे में अगर सबसे पहले अगर बात करें तो राजस्थान का जो पहले चीफ मिनिस्टर था सबसे पहले वो हीरा लाल शास्त्री और राजस्थान का पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख सिंह। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है जो 24 दिसंबर 2018 को बने वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। और इसके अलावा आपको विशेष जानकारी दे दें, इसके जो पिता हैं, पिता जो थे इसके जादूगर थे और अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर निकले और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। अशोक गहलोत जो है उसकी जो कैबिनेट टीम है उसमें 13 कैबिनेट मिनिस्टर और 10 राज्य जो मंत्री हैं, राज्य जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं। और इसके अलावा उसके पास 9 विभाग 9 डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज बने हुए अशोक गहलोत। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री वर्तमान में राजस्थान में उसका नाम है सचिन पायलट। आपको यहाँ जानकारी दे दूं 2004 के लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट सबसे युवा सांसद चुने गए थे जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और सचिन पायलट जो है मुख्यमंत्री हैं और 5 जो विभाग है डिपार्टमेंट है इसके पास है। इसके अलावा वर्तमान में जो राज्यपाल है राजस्थान के वो कल्याण सिंह राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल है। इसके अलावा कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। 1992 में अयोध्या में बाबरी जो मस्जिद है इस पर राजनीति चरम सीमा पर होती है और इसकी जो तारीख थी 4 जनवरी 2019 को थी लेकिन वो सुनवाई 1 मिनट भी नहीं कर चल पाई और अगली तारीख दे दी 10 जनवरी 2019।
तो इसके ऊपर तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। तो हम बता रहे थे आपको 1992 में, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह ही थे। तो कल्याण सिंह दो बार उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके। और इसके अलावा और जानकारी अगर आपको दें हम, तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राष्ट्रपति जो शासन है वो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं तीन, 352, 356 और 360। आपको बता दें 352 जो धारा वो अब तक देश में 4 बार लग चुकी है। 356 किसके तहत, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसके तहत, ये लगभग 127 बार लग चुकी है। और 360 जो है वो वित्तीय संबंधी होती है, वो भारत में एक बार भी नहीं लगी। तो राष्ट्रपति जो शासन वो 4 बार लगे है 356 धारा के तहत। 4 बार वहां पर सीएम रहे हैं मोहनलाल, जो सबसे ज्यादा सीएम रहने का रिकॉर्ड उनके नाम है। और प्रथम गैर कांग्रेसी वहां सीएम जो बने वो बने हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जनता पार्टी से बिलोंग करते थे जब वो वहां पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें, राजस्थान में जो विधानसभा है उसमें 200 एमएलए और लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सदस्य हैं। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के थे कमलकांत वर्मा। और पहली जो महिला, जैसे मैंने पहले बताया, पहली महिला मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वसुंधरा राजे, जो इससे पहले थी, और 2 बार वो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बन रह चुकी है। इसके अलावा राजस्थान के बारे में कुछ अलग चीजें बताई, तो राजस्थान देश में सबसे पहले सर्वप्रथम पंचायती राज का जो श्री गणेश हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है, उसके अवसर पर 1959 में बलमत राय समिति की अध्यक्षता, और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज जो है संस्था है उसका श्री गणेश किया था, उसकी शुरुआत की थी। उसके अलावा देश के पहले और इकलौते गाय मंत्री, आपको बता दें राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पर गाय मंत्रालय गाय के लिए, और गाय मंत्री बना था देवासी लाल। और देवासी लाल 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें देवासी लाल की हार हुई, हार गया था। इसके अलावा अन्य जानकारी कर दिए तो सिंधु घाटी सभ्यता, जो 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर भी आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, पूरी दुनिया की मानी जाती है, मेसोपोटामिया जो इराक में, उसकी एक तुलना की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता से। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य जो एक शहर था कालीबंगा या कालीबंगन कहा जाता है, वो राजस्थान में ही है। इसके अलावा राजस्थान में 5 राज्य जो नेशनल पार्क है और 5 जो राज्य हैं वो राजस्थान से मिलते हैं, राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्य से मिलती है। और अब आपको बताते हैं राजस्थान की अपडेट, बिकॉज रहो अपडेट बनो ग्रेट, उसके तहत हम आपको बता दें राजस्थान की जानकारी। 30 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने पहली जो है बैठक ली, मीटिंग करी और उसमें फैसले लिए, और फैसले जो लिए जो बीजेपी पार्टी की जो डिसीजन है उन्होंने कई चेंज कर दिए। पहला तो ये किया, वसुंधरा राजे ने पंचायती राज में जो चुनाव है उसमें जो उम्मीदवार है उनके लिए योग्यताएं निर्धारित कर दी थी, एजुकेशन योग्यताएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जारी कर दी थी। अशोक गहलोत ने उनको खत्म कर दिया है। इसके अलावा अशोक गहलोत ने और अपडेट किया है हरियाणा की तर्ज पर, जैसे हरियाणा में ऐसे राजस्थान में बनेगी खेल नीति। इसके अलावा राजस्थान में बच्चों को पढ़ाई जाएगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जीवनी। और सरकारी जो लेटर पैड होता है उस पर वसुंधरा राजे ने, जो बीजेपी के महान नेता रहे हैं,
दीन दयाल उपाध्याय उसकी तस्वीर लगा रखी थी, अशोक गहलोत ने उसकी तस्वीर भी हटाकर वहां पर अशोक चक्र जो हमारे उसकी तस्वीर लगा दी। तो ये थी राजस्थान की राजनीति की कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्दी फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारा जो चैनल है ओम ज्ञान कुंड उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, जय भारत, जय हिंद।